ये जो सिद के दिल से माफ़ी वाली बात उन्होंने पहले भी की, बाद में भी कई बार हुकूमती वुजरा भी कहते रहे, ये एक ऑप्शन है अगर 9 मई से मुतालिक वो सिद के दिल से माफ़ी मांगे? वाई नॉट। मैं मोहतरम अहमद अवैस साहब, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे सीनियर हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन इन्होंने शेर सुना है, मैं भी कहता हूँ कि किस किस की जुबान रोकने जाऊँ तेरी खातर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। देखिए आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब शहीद हुई हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने एक गमला तक नहीं तोड़ा, और आसिफ अली जरदारी साहब ने करके पाकिस्तान कपे, मियां नवाज शरीफ साहब को वट एवर जहाज की सीट, उसके सीट के साथ बांध दिया गया, उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। माफी का ऑप्शन था बाकियों के पास भी कि माफी मांग ले सिद के दिल से? नहीं, मैं तो आपको उस इतने बड़े जो जो दर्दनाक और बर्बरियत का हादसा हुआ था, मतलब जब जेरे इताब आए तो उस वक्त कोई कभी माफी का ऑप्शन दिया गया? देखिए नहीं, हमने या पीपल्स पार्टी ने कोई फौजी इदारों पर तो हमने नहीं किए। अब ये तो इतराफ़ जुर्म भी इन्होंने कर लिया कि हाँ हमने काल दी थी। अगर चल ये कहते जी वो हमारे लोग नहीं है, ये इनके हैं या नहीं है, वट एवर, क्या किसी एक को लीगल नोटिस दिया इन्होंने? इंजबाती कार्रवाई की है पार्टी ने, पार्टी के प्रेसिडेंट ने या किसी और ने? देखिए तरीके होते हैं ना पार्टियां, जब पार्टी की क्यादत ही जेल में थी सर, नहीं और जो जो बाकी हैं, जो गौहर साहब हैं, वो नहीं सीधे नोटिस दे सकते, सेक्रेटरी जनरल नोटिस नहीं दे सकता। और फिर आप कह रहे हैं, बार बार हम कहते हैं, आपने सुनी होगी स्टेटमेंट सेंटर अजाज चौधरी साहब की, अपने बेटे को कह रहे हैं कि हमने एक एक गमला तोड़ दिया, एक एक चीज तबाह कर दी, उनकी बर्बाद कर दी, और आसान जो था उसका अपना इनका भांजा इमरान साहब। लेकिन वो अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि बात सिर्फ उनसे होगी जिनके पास ताकत है, तो अब और खासकर खान साहब जिस अंदाज में उनकी हिमायत कर रहे हैं, मैं वो अल्फाज उनके लिए रिपीट कर देती हूँ, सेंटर साहब इस पर कॉमेंट कीजिएगा। वो कहते हैं, खान साहब ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फौज के किरदार के बायस अगर फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात न रखे जाएं तो ये हिमाकत होगी। तो जिस अंदाज में वो अभी तक एड्रेस कर रहे हैं फौज को, वो अल्फाज तो हमें दूसरी सियासी जमातों के पास नजर नहीं आते। नहीं देखिए, ये पहले भी ऐसे करते थे, मतलब ये एक तरफ एक चेहरा दिखा देते हैं, दूसरी तरफ दूसरा दिखा देते हैं। पहले जिसको कहते थे अवानी सदर में कि हमारा बाप है, हम इसको फुल टाइम एक्सटेंशन देते हैं, उसको बाद में यजीद का, मीर जाफर का, डर्टी हैरी का, ये भी तो आप माजी को सियाको सुबाग से मिला के करें ना सारी बातें। और आज फिर उन्होंने कह दिया कि अगर एक दूसरे नंबर पे ये जो आयन हमें सबको बांधता है, अहमद अवैसा मेरे सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, ये बताएं क्या किसी जगह पे ये लिखा हुआ है, किसी जगह पे ये है कि आपने पॉलिटिकल जमातों से मुजाकरात नहीं करनी और फौज के साथ मुजाकरात करने? ऐसे ये तो आर्टिकल, मतलब देखें ना, 50% का काम हो गया कि ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहे, ऐसे नहीं होगा।